in top 10 we are starting again our topic. In previous class we were discussed about the discontinuity and types of discontinuity. Let's have a quick revision about this. हमने देखा था कि discontinuity के हमने दो टाइप देखे थे, removable और एक हमने देखा था irremovable. Removable discontinuity और irremovable discontinuity. Removable में हमने दो पार्ट देखे थे, missing point discontinuity और एक देखा था हमने isolated discontinuity. Irremovable में भी हमने दो देखे थे, discontinuity of first kind और discontinuity of second kind. इस second kind में भी हमने क्या देखा था, दो पार्ट देखे थे, infinite discontinuity और oscillating discontinuity. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. हमने जब कंटिन्यूटी की बात की थी तो हमने देखा था कि पांच चीजें होल्ड होनी थी. नंबर वन, राइट हैंड लिमिट एक्सेस करनी चाहिए फाइनाइटली. नंबर टू, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सेस करनी चाहिए फाइनाइटली. नंबर थर्ड, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए. नंबर टू, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए. एंड नंबर फिफ्थ क्या था कि जो हमारी इस पॉइंट पर जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब उस पॉइंट पर जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, fx जो है वो f of a के बराबर होना चाहिए. ये पांच पॉइंट्स हमने कंटिन्यूटी में डिस्कस किए थे कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए और f of a फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली और राइट हैंड लिमिट, और जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी दैट मीन उस पॉइंट पर जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो f of a के बराबर होनी चाहिए. तब हम क्या कहते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. जब इनमें से जो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी आती है. डिसकंटिन्यूटी का मतलब जिस पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब उस पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. तो हम देखते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सेकंड भी होल्ड होती है, थर्ड भी होल्ड होती है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी होल्ड हो भी सकती है, नहीं भी. मिसिंग में क्या होता है, इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है. इसका मतलब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल भी होती है, लेकिन नंबर फोर्थ पॉइंट जो है कि f of a एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा या हो सकता है कि वो पॉइंट दिया हुआ है लेकिन वो आपके डोमेन में फंक्शंस पर डिफाइंड है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ओवरऑल हम सी रिमूवेबल, लेकिन पर्टिकुलर बात करते हैं क्या है, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो ये हमारी मिसिंग पॉइंट थी. आइसोलेटेड हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल भी होगी, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, फोर्थ पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो नंबर फिफ्थ है वो होल्ड नहीं होगा. जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड जो लिमिट है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो इन शॉर्ट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी होल्ड इन पे क्वेश्चन मार्क कर जाता है, और या तो ये होल्ड नहीं करेगी या ये होल्ड नहीं करेगी. और इस डिसकंटिन्यूटी को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, इसलिए इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, ब्रीफली हमने इसको प्रीवियस क्लास में देखा था, अभी शॉर्ट में हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं. अब बात कर रहे हैं हम इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की. इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, नंबर टू भी होल्ड होता है, लेकिन जो नंबर थर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. तो जब फंक्शन की इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कैसा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस. तो इसमें नंबर थर्ड जो
करेगा इट्स ऑसिलेट्स टू रैपिडली टू हैव यूनिक एप्रोक्सीमेशन कि जितना तेजी से दोलन करेगा एक यूनिट एक फिक्स वैल्यू को प्राप्त करने के लिए क्योंकि हम क्या कहते हैं लिमिट जब भी एडजस्ट करेगी क्या एडजस्ट करेगी यूनिटली तो वो इतनी तेजी से दोलन करता है फंक्शन हमारा एक यूनिक अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए एक फिक्स मान लेने के लिए ऐसे बहुत इतना एक हम अंदाजा भी नहीं कर सकते इतना क्विक इतना रैपिडली ऑसिलेट होगा एक फिक्स वैल्यू लेने के लिए तो हम उसको क्या कहेंगे ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी ये भी हमने देखा था एक एग्जाम्पल इसका तो ये हमारे क्या हुए डिसकंटिन्यूटी टाइप है रिमूवेबल इररिमूवेबल को कभी भी हटाया नहीं जा सकता और रिमूवेबल को आप हटा सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट पर वैल्यू चेंज करके आप फंक्शन कंटिन्यूस बना सकते हैं तो ये हमने एक शॉर्टली देख लिया हमने प्रीवियस क्लास में डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था एक नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी है हमारी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एग्जाम्पल देखते हैं एफ एक्स
लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या देखा, लिमिट एग्जिस्ट करती
जीरो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f ऑफ जीरो की वैल्यू विद्यमान नहीं है. हियर f ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट तो वो क्या होगी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. क्योंकि f ऑफ जीरो जो निकाले तो क्या आएगा cos 1 अपॉन 0 क्योंकि x बराबर 0 का फंक्शन की वैल्यू क्या cos 1 अपॉन x cos 1 अपॉन 0 तो अगेन माइनस का मतलब कि नीचे माइनस में तो 2 नहीं मान तो f ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. तो क्या हो गया राइट हैंड साइड पे हमारी डिस्कंटिन्यूटी कौन सी ऑसिलेट डिस्कंटिन्यूटी जो क्या है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड हैंड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है रिमेंबर डिस्कंटिन्यूटी क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है केवल लेफ्ट हैंड डिस्कंटिन्यूटी में हमने बात की थी. लेफ्ट हैंड डिस्कंटिन्यूटी का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए. राइट हैंड डिस्कंटिन्यूटी का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए. यहां लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही जो क्या है हमारी आइसोलेटेड डिस्कंटिन्यूटी और आइसोलेटेड डिस्कंटिन्यूटी हमारी क्या होती है रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी. तो एक साइड पर हमारी क्या होगी डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड और सेकंड साइड हमारा क्या होगा रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी. तो ये कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन है मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी. किस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी होगी मिक्स्ड. सो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन हैज मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी. एक चीज और मैं आपको पहले बताऊंगी कि हमारे को कैसे पता चलेगा किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर ले. अगर सपोज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो तो हम कैसे पता लगाएंगे. सपोज जैसे फंक्शन हमारा साइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन बराबर एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन हमारा जीरो डिफाइंड है. इस तरीके का फंक्शन हमें डिफाइंड है और हमें पूछा जाए कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो. अब हमें पता है कि फंक्शन का डोमेन हमारा आ रहा है मतलब पॉइंट दिया नहीं तो सब लोग पूरे डोमेन पे चेक करें तो हम कैसे चेक करेंगे डोमेन में आर भी अनकाउंटेबल सेट है तो एक एक पॉइंट पर तो हम चेक नहीं कर सकते ना. तो यहाँ का तरीका क्या होता है जिस पॉइंट पर फंक्शन को प्रॉब्लम है उस पॉइंट पर ही हमको क्या करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. और ये हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन को किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है देखिए क्योंकि हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड करनी है x इक्वल टू 0
पूरे आर पर कंटिन्यूस है, क्योंकि प्रॉब्लम जिस पॉइंट पर है केवल उसी पॉइंट को उठाना है, बाकी सारे पॉइंट्स का फंक्शन कंटिन्यूस है। हमें चेक नहीं करना है, हमें चेक कहाँ करना है, जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने का मतलब जहाँ फंक्शन को अलग से डिफाइन किया है उस पॉइंट पर चेक करना है, बाकी सारे पॉइंट्स पर ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस है। और अगर हम चाहें तो चेक करके देख देख भी सकते हैं, एक जनरल पॉइंट ए लेकर, एक जनरल पॉइंट ए लेकर हम चेक कर सकते हैं, जहाँ ए को हम दो केसेस ले सकते हैं, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 के लिए भी केसेस ले सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी इसमें कोई वो हमारा है नहीं, जिन्हें हमें इसमें चेक करना है केवल जहाँ पर फंक्शन हमारा ब्रेक होता है। और एक चीज और, अब हमारे यहाँ बात आती है कि हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट भी हम निकालते हैं और हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, इसका मतलब एक्स के जीरो के ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो। तो हम देख रहे हैं जब एक्स ग्रेटर देन जीरो तब भी फंक्शन ये डिफाइंड है, और जब एक्स लेस देन जीरो तब भी फंक्शन ये डिफाइंड है। तो इन दोनों से जो लिमिट आई है वो लिमिट भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि फंक्शन क्या है दोनों पर एक तरीके से डिफाइंड है। आप चाहे निकाल कर ट्राई कर सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अगर चाहें तो राइट हैंड, यहाँ पर जब अगर फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर फंक्शन एक ही डिफाइंड है, एक ही जैसा है, सेम है, तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग लिमिट आने की जरूरत नहीं है, और आप चाहो तो निकाल कर चेक कर सकते हो। अगर इसको बनाया जीरो
x tends to a minus f x की वैल्यू क्या है? सपोज अगर यहाँ माइनस वन ले लूँ तो माइनस वन की राइट हैंड लिमिट भी क्या होगी? राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो क्या जीरो से छोटा तो क्या रहेगा? मान लो माइनस एक्स ही रहेगा तो ये माइनस एक्स. अब क्या करेंगे? जीरो प्लस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो. सॉरी यहाँ पॉइंट ए है तो हम क्या करेंगे? माइनस ए प्लस एच. और जैसे एच ऊपर जीरो पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा? माइनस ए. ये हमारी राइट हैंड लिमिट है. अगर सेम लेफ्ट में मैं चेक करूं तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स यहाँ पर भी क्या है? माइनस x. क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस वन लेते अगर एक बार मान लेते a मेरा क्या है? माइनस वन. तो इस माइनस वन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर फंक्शन क्या है? जीरो से तो छोटा ही है तब भी मान जाएगा माइनस x. इधर लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही माइनस एक्स है. केवल जीरो पर जीरो के नेबरहुड में यहाँ पर एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स आ रहा है लेकिन माइनस वन के नेबरहुड में नहीं हो रहा. माइनस वन के नेबरहुड में फंक्शन क्या है? सेम है तो आप क्या है? माइनस एक्स. तो ये निकाला हमने वही हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स को हम क्या रखेंगे? जीरो माइनस सॉरी ए माइनस एच. जैसे एच इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस ए. तो हमने क्या देखा? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है. अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर फंक्शन की फंक्शन सेम है अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेम फंक्शन डिफाइंड है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल होगी. तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिमिट के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो. आप जरूरी नहीं कि हम अलग से चेक करें. डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं एक ही रूप में लिख सकते हैं. अब पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू एक पर हमारी फंक्शन की वैल्यू हम देखेंगे. केवल जो लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो पर क्या है? फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है.
को छोटे की बात करें तो फंक्शन क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देख लिया कि ए ग्रेटर देन जीरो के लिए भी हमने प्रूफ किया फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ एक ज्यादा है, और केस फर्स्ट में ए लेस देन जीरो के लिए भी हमने देखा वहां पर भी ए क्या था जनरल था, तो फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन जैसे हम जीरो की बात करें, जीरो के नेबरहुड में, तो जीरो के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा फंक्शन माइनस एक्स है और राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है एक्स, तो यहाँ हम देख रहे फंक्शन में ही चेंज हो रहा है, तो मे बी इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमें चेक किस करना है उस पॉइंट पर जहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, कोई टर्निंग पॉइंट है या फंक्शन को प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो मेन है हमें इस पर चेक करना है एक्स इक्वल टू जीरो पर, डायरेक्टली हम एक्स इक्वल टू जीरो पर ही चेक करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने एक्स लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो दो पॉइंट्स आपको ये भी बताए जनरली, एक्चुअली भी ये ट्रू होता है अगर हम इसको प्रूव करके देखें तो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारी कंटिन्यूटी। अब केस थर्ड हम चेक करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर, जहाँ हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या था एक्स कंटिन्यूअस